नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में संकट पर बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि रात 9 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी आलाकमान ने निर्देश दिए और अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा कल सुबह 10:30 बजे भी विधायक दल की बैठक होगी। सचिन पायलट को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सचिन पायलट को कहा गया है कि आप जयपुर पहुंचिए और बैठक में शामिल होइए। राजस्थान में राजनीतिक संकट कांग्रेस की गहराती हुई और कांग्रेस की सरकार बचाने की लगातार कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पर बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी बिखरने और सत्ता से राजस्थान में जाने का। जयपुर में कांग्रेसी विधायकों का बयान सामने आया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में एकजुट है पार्टी। राजस्थान में सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से, राजस्थान कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, राजस्थान में सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये बताया जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से। जयपुर में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता जो जयपुर में बैठकर कह रहे हैं और दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, इस बीच कितना बड़ा फासला है? कांग्रेस की पार्टी जो राजस्थान में बैठकर सोच रही है और दिल्ली में सचिन पायलट और तमाम जो नेता यहां पर कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, वो क्या इशारा करता है? ये तमाम बातें अब जो बैठक होने जा रही है उसमें अगर सचिन पायलट शामिल हो जाते हैं तो साफ हो जाएंगी। अगर सचिन पायलट उसमें शामिल नहीं होते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान में कांग्रेस में क्या कुछ होने जा रहा है। सारे लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकजुट है। कांग्रेस के विधायक दल का नेता राजस्थान में अशोक गहलोत जी को बनाया है हाईकमांड ने, और हम हाईकमांड के निर्णय के साथ हैं। सारे लोग जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, एक भी आदमी चाहे कोई दिल्ली जाने की बात करे, कोई जयपुर में हो या नहीं हो, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सोनिया गांधी के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है, पार्टी एकजुट है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम के होटल में पायलट गुट के नेताओं की बैठक हुई है। करीब एक घंटे तक नेताओं की बैठक चली। तो एक तरफ जयपुर से आप बयान सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, दूसरी तरफ गुरुग्राम में पायलट गुट के जो नेता हैं उनकी बैठक हुई, एक घंटे तक बैठक चली। हालांकि इसके बारे में अभी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, क्या बैठक का ब्यौरा रहा उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम में अगर नेता बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक बैठे हैं और बैठक कर रहे हैं, तो जयपुर से जो बातें सामने आ रही हैं और गुरुग्राम में जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। कांग्रेस में सचिन पायलट की अनदेखी से दुखी हूं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है, कांग्रेस में प्रतिभा का सम्मान नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये कहा गया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो हुआ है, क्या राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ वही होगा? और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गई, क्या मध्य प्रदेश में भी, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस की सरकार गई, क्या राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार वैसे ही जा सकती है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। लाल सिंह फौजदार, जरा बताइए वहां का अपडेट क्या है, सचिन पायलट को क्या कहा गया है, क्या जो जयपुर में बैठक होने जा रही है उसमें सचिन पायलट शामिल होने वाले हैं, कोई जानकारी मिल रही है? देखिए विद्यनाथ झा, जो सीएम हाउस से खबर निकल रही है और जिस तरह तीन उन विधायकों को जो बताए जा रहे थे कि पायलट गुट में हैं, उनको मीडिया के सामने लाया गया और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, गहलोत के साथ हैं। उससे पहले राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने एक बड़ा बयान देकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सियासी घमासान का पटाक्षेप कर दिया है। उनका कहना है कि सचिन पायलट जो 9 बजे मीटिंग होने वाली है सीएम हाउस में, उसमें शामिल होंगे। अगर ऐसा होने जा रहा है तो जो लगातार सियासी घमासान चल रहा है
राजस्थान में पिछले 2-3 दिनों से, और कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान सरकार में खतरा पैदा हो गया है, सचिन पायलट पूरी नाराज है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का इतिहास राजस्थान में दोहराया जा सकता है। लगता है वो सिर्फ अब सियासी बातें रह गई हैं, चूंकि अगर ऐसा है सचिन पायलट 9 बजे की मीटिंग में आ रहे हैं तो एक बड़ी बात ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट की नाराजगी थी उसको दूर कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह विधायक जो तमाम विधायक थे, दानिश अबरार, चेतन डूडी, इन विधायकों को मीडिया के सामने लाया गया, उस दौरान राजस्थान सरकार के करीब 10 मंत्री वहाँ मौजूद रहे, यानी कि कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें चल रही थी, जिस तरह की उठापटक सियासत में देखने को मिल रही थी, और सचिन पायलट नाराज बताए जा रहे हैं, यानी कि ये बात कहना कि पुष्टि इस बात की होती है कि राजस्थान सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो घमासान है वो कम होने के बजाय अधिक हुआ है इस दौरान। ये राज्यसभा चुनावों के दौरान भी हमें देखने को मिला, जब भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, लेकिन घूम फिर कर ये गलत सीएम और डिप्टी सीएम पर आकर थम जाता है। और इस बार भी कमोबेश वही हुआ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाए, खरीद फरोख्त की बातें हुई, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो सियासी समीकरण वही कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के बीच ही नजर आए। ठीक है, लाल सिंह आपके पास लौट करूंगा। अर्चना शर्मा जी, क्या कांग्रेस की सरकार जा रही है ऐसा आप लोगों को लग रहा है राजस्थान से? ये डर सता रहे क्या आप लोगों को? आपके विधायक टूट रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो विस्मित हूँ जब ऐसी खबरें चलती हैं, और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे नाकाम हुए राजस्थान में। राज्यसभा चुनाव के दौरान हमने अपने बहुमत को साबित किया 2 वीक्स पहले। ये बात सही है कि बीजेपी जो है केंद्र में, उसका जब से हिंदी हार्टलैंड की हमने जो मेजर स्टेट्स को जीता है तब से उनका मानस रहा है, तो कैसे वो टॉपल करें इन गवर्नमेंट्स को। और यही कारण है कि जब राज्यसभा चुनाव आए तो एक सेकेंड कैंडिडेट खड़ा किया विदाउट नंबर्स, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट का, उससे पूछा कि जब नंबर्स नहीं थे तो आपने क्यों खड़ा किया, तो उनकी नीयत पर वही प्रश्न चिन्ह लग गया। कोचिंग करने का उन्होंने प्रयास किया, प्रोब एजेंसीज ने इसको 2 लोगों को डिटेन भी किया, उनसे इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, तो इसमें कोई दोराय नहीं है। अर्चना शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक तरफ आपके नेता जयपुर में बैठकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, गड़बड़ नहीं है, पार्टी गहलोत के नेतृत्व में एक साथ है, दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी कुछ नेता बैठक कर रहे हैं, ये दो जगह अलग अलग बैठकें क्यों हो रही हैं? देखिए, गुरुग्राम में कौन सी बैठक हो रही है मुझे जानकारी नहीं, और किसी को भी नहीं है कांग्रेस में, ये मात्र कयास है, और ऐसे कयासों पर क्या चर्चा की जाए जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं हो। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को लेकर मीडिया ने प्रश्न खड़े किए थे, जिन विधायकों को लेकर, वो तो स्वयं सीएमआर में थे आज, उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया है, तो सिर्फ और सिर्फ कयास है, और कयासों के आधार पर एक कह सकते हैं कि एक खबर को मैन्युफैक्चर करके हम रोटेट करना चाहते हैं। सच्चाई ये कि बहुमत हमारे पास है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई संशय नहीं है कि बीजेपी का मानस क्यों कह रहे हैं अर्चना जी, फिर कपिल सिब्बल क्यों कह रहे हैं कि अस्तबल से घोड़ा भाग जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा फायदा अगर आप घोड़ा को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो? देखिए, अब कपिल सिब्बल जी ने ये अपना मंतव्य जारी किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये कोई बेहतर बता सकते हैं, लेकिन राजस्थान प्रदेश की मीडिया चेयरपर्सन के नाते मैं आपसे कह रही हूँ कि सरकार के भीतर कोई मतभेद नहीं है। हाँ, ये बात होती है कुछ मुद्दों पर डिफरेंस होते हैं, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाते हैं टेबल पर बैठ करके। जहाँ तक नंबर्स की बात है, नंबर्स हमारे पास है, हमारे जितने विधायक है सबने अपना पेज जो रिपोर्ट किया मुख्यमंत्री में रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पर। तो प्रेम शुक्ला जी, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी आप लोग सरकार बना पाएंगे? देखिए, अभी तो अर्चना जी कह रहे हैं कि कोई आप कयास लगा रहे हैं, आप जो है खबरें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अस्तबल इनके पास नहीं है, उस अस्तबल में कोई घोड़े नहीं है, तो इनको कोई संकट ही नहीं है। देखिए, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, अर्चना जी शिष्टाचार का पालन करें, मैं आपको सुन रहा था आराम से, अभी आपको अवसर देंगे बोलने के लिए। वो देखिए, कांग्रेस में कोई संकट नहीं, अर्चना जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं श्रावण का महीना बढ़िया कजरी गाई है, संकट क्या है? भाई संकट तो प्रेम शुक्ला जी आप हो, आपकी पार्टी है केंद्र में जो डिस्टेबलाइज करती है गवर्नमेंट्स को, लीजिए कपिल करते हैं गवर्नमेंट को, आपका इतिहास क्या करें, आपकी पार्टी जो है में, हम आपके 2 लोग पकड़े गए हैं, नहीं ठीक है, उसको डिटेन किया है, बहुत बढ़िया है, हो गई आपकी बात, तो मैं उत्तर दूं, हो गई बात, हो गई आपकी बात, उत्तर दूं, आपने प्रश्न पूछा ना, अर्चना जी की बात हो गई तो मैं उत्तर दूं, कौन नहीं सुन, इसीलिए उत्तर में आपका, अब आपके निराधार आरोपों का उत्तर देने का अवसर भी देंगी ना, इतना तो कम से कम इस विमर्श में फांसीवाद नहीं करेंगी आप। देखिए, इस देश में संवैधानिक रूप से चुनी गई लोकतांत्रिक 90 से अधिक सरकारों को अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके बर्खास्त करने का कुकर्म करने वाली कांग्रेस
कृपा करके लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्गों के अवलंबन करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर अनायास अब फिर भी इसमें चिल्लाने लगी हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों बौखलाई हुई है आप 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 तो हम लोग कयास लगा रहे हैं खबर बौखलाहट क्या बताता है आपकी बौखलाहट का कारण क्या है। आदत पड़ गई श्रीमती अर्चना शर्मा जी की बौखलाहट का कारण क्या है। मैं तो शांत से संयम से सम्मान से आपके मुखारविंद से प्रकट होने वाले अब शब्दों को भी सुन रहा हूँ। आराम से आपका रक्तचाप बढ़ गया है, गहलोत जी का और आपका रक्तचाप बढ़ गया, हम समझ सकते हैं संकट है, घोड़े भाग रहे हैं, कद्दू सिप्पल कह रहे हैं। अब आपने अपने विधायकों को पशुवत तो सिद्ध ही कर दिया है। अरे कपिल सिब्बल हमारे हैं, कपिल सिब्बल कौन है? अरे साहब ज्योतिराज सिंह हमारे बच्चे की नहीं गए ना, वो तो नहीं निकल रही ना दाएं बाएं ज्योतिरादित्य को संभाल लेना चाहिए था ना। एक एक करके प्रेम शुक्ला जी मैंने आपसे पूछा था, प्रेम शुक्ला जी मैंने आपसे पूछा था क्या मध्य प्रदेश की तरह आप राजस्थान में भी सरकार बना लेंगे, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा। विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरीके से सरकार बनाई क्या वैसी हालत अब राजस्थान की होने वाली है? देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की परिस्थिति में थोड़ा अंतर समझिए। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर बहुत कम था, 108 सीटें भाजपा की थी और 114 सीटें कांग्रेस की थी। राजस्थान में अंतर बड़ा है, 75 या 76 सीटें भाजपा के पास हैं और 107 सीटें करीब जो है कांग्रेस के पास हैं, तो एक तो अंतर बहुत बड़ा है। दूसरी बात मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह ज्योतिराय सिंधिया का ट्रायो था, उसमें दिग्विजय सिंह की अलग भूमिका थी, कमलनाथ अलग थे और ज्योतिराय सिंधिया अलग थे। यहाँ अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट सीधा सीधा है। तीसरी बात कमलनाथ को राज्य की राजनीति का वो अनुभव नहीं था जो अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का अनुभव है, तो राजस्थान में आसानी से मध्य प्रदेश दोहराना आसान नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो बैठक वो जो सूचना हमको मिल रही है जैसा कि आपके फौजदार साहब भी बता रहे थे कि सचिन पायलट शायद 9 बजे शामिल हो बैठक में और कुछ विधायक जो है जिनको सचिन पायलट के पाले में बताया जा रहा था वो वापस लौट आए, उन्होंने कहा नहीं हम सरकार के साथ हैं। तो कुल मिला करके अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जिनको जादूगर माना जाता है तो उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लिया है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह की तनातनी विधानसभा चुनाव के पहले से चल रही है वो जो है निश्चित रूप से पार्टी के लिए और सरकार के लिए एक संकेत है कि अगर इसको सही समाधान समय पर नहीं किया गया हाईकमान के द्वारा तो यह संकट फिर पैदा हो सकता है, कोई खत्म नहीं होगा हमेशा के लिए। एक बार कांग्रेस नेतृत्व को तय कर देना पड़ेगा, या तो सचिन पायलट को बुला के साफ कह दें कि 5 साल तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और रहिए, लेकिन या तो उसको गाजर की तरह लटकाएं नहीं कि आप कोई बना देंगे, आप ये कर देंगे वो कर देंगे, सीधे कह दें, और या अगर उनको सचिन पायलट को बनाना है तो वो कर दें, एक फैसला लेना पड़ेगा। एक तो ये है, दूसरी बात एक तो ये है वहां ज्योतिराय सचिन पायलट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, पार्टी के अध्यक्ष भी है, तो यहाँ सत्ता में एक बड़ी हिस्सेदारी उनके पास है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई परिस्थितियां अलग अलग है, इसका आपको ध्यान रख के तब विश्लेषण करना होगा। ठीक है सर, लेकिन सचिन पायलट को तो ऐसा लग रहा है कि पार्टी अध्यक्ष का पद जो है वो भी शायद उनसे उनके हाथ से चला ना जाए। एक बार दिल्ली चलते हैं, मोहित राजदूबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मोहित क्या दिल्ली से खबर है? देखिए हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक तमाम ये खबरें तैर रही थी कि सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं, उनकी राहुल गांधी से टेलीफोन पे बातचीत हुई है। मैं आपको बता दूं जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि विगत 2 दिनों के दौरान सचिन पायलट से कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने न टेलीफोन से बातचीत की है और न ही उनसे मुलाकात की है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जिस तरीके से लगातार हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में दोहरा लिया जाए, मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश की स्थितियों का आकलन आप राजस्थान में नहीं कर सकते हैं। करीब 40 सीटों के आसपास का अंतर है राजस्थान में, कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में 107 है और सार छोटे और निर्दलीय को दलों को अगर आप मिला दीजिए तो 120 हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास 72 सीटें हैं और 3 उनके पास जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उनकी सीटें तो 75 हो जाती हैं, यहाँ पर जो अंतर है वो 40 का हो जाता है, और 40 विधायकों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कि कांग्रेस के लिए मुश्किल है, नामुमकिन सा यहां पे लगता है। लेकिन आगे का
सियासी समीकरण क्या होगा, किस तरीके से सियासी विषाद बिछाए जाएंगे, ये इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली से अविनाश पांडे रवाना हो चुके हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला रवाना हो चुके हैं, अजय माकन रवाना हो चुके हैं, और सुबह की बैठक में ये तीनों नेता विधायकों से एक एक करके वन टू वन करके बातचीत करेंगे। सचिन पायलट भी रवाना हो रहे हैं, खास तौर पर इसकी जानकारी है, सचिन पायलट कब रवाना हो रहे हैं, सचिन पायलट के खेमे हैं। देखिए सस्पेंस इस पे बरकरार है कि सचिन पायलट क्या 9 बजे वाली बैठक में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लगातार भले ही कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट 9 बजे वाली बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन ये भी संभव नहीं लग रहा है। और कल देखने वाली बात होगी कि विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट किस रूप में पहुँचते हैं, अकेले पहुँचते हैं, अपने समर्थक विधायकों के साथ पहुँचते हैं, और कल ही सब कुछ खुल जाएगा, कल सब कुछ साफ हो जाएगा कि सचिन पायलट किस करवट जाते हैं, सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या होगी। और ऐसे में ज्योतिराज सिंधिया का जिस तरीके से ट्वीट आता है कि उनका अपमान हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनके प्रतिभा का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया सचिन को लुभाने की कोशिश भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहित एनके सिंह साहब, एक तो जो मोहित राज दुबे कह रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया, जो उन्होंने लिखा कि अनदेखी हो रही है सचिन पायलट की, उन्होंने कहा कि जो सचिन पायलट के साथ हो रहा है उसको लेकर वो काफी दुखी हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार नहीं जा रही है, तो कांग्रेस के नेता बौखला क्यों रहे हैं, परेशान क्यों रहे हैं, कपिल सिब्बल ये क्यों लिख रहे हैं कि अस्तबल से घोड़ा चला जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, और बीजेपी क्या इस स्थिति में है कि राजस्थान में वो सरकार बना सके, मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी की सरकार बनी। नहीं विद्या, दो तीन चीजें बहुत साफ हैं। सरकार नहीं गिरने जा रही है, ये बहुत साफ है। दोनों के बीच में गैप काफी है, और गैप है जैसा विनोद ने बताया और मोहित ने भी बताया, सरकार गिरने की कोई स्थिति नहीं है, गैप काफी है, और उतना गैप मेकअप करना, और वो भी तब जबकि आपके कम से कम 30 MLAs को रिजाइन करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी यह स्थिति है कि 300 MLA रिजाइन कर दें तब वो नंबर नीचे आ जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रोविजन है उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि नहीं होने जा रहा है। 2/3 का मतलब हुआ करीब 66 लोग, वो नहीं होने जा रहा है, लिहाजा स्प्लिट नहीं होगा, स्प्लिट या मर्जर नहीं होगा। सीधी सी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में गलती कहां है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी कोई धर्मशाला खोल के नहीं बैठी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप कमजोर हैं और आपके लोग मेरे तरफ शामिल हो रहे हैं तो क्यों नहीं लेगी वो, कोई यहां पे धर्मादा थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है। लिहाजा अगर वो ओकेजन आएगा तो बीजेपी को करना चाहिए, कहीं से नैतिकता नहीं, अनैतिक नहीं है। दूसरा पक्ष यह है कि क्या राहुल गांधी ने या कांग्रेस लीडरशिप ने लगातार इन चीजों का संज्ञान लिया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तब आपके समझ में नहीं आया, तब भी आपने सचिन पायलट को नई गुड़ झूमर में रखा, और सचिन पायलट ने आपके भाग्य को बदला है राजस्थान में। उस नया युवा उस नेतृत्व ने 5 साल वहां पे ग्रास रूट कैडर बदल दिया है, और तब जाके आपको ये वोट मिले हैं, इसका एहसान आप भूल गए। कल आपने अचानक हार्दिक पटेल को तो गुजरात में कर दिया, क्या रेस्टल था। अगर ये मान लिया जाए कि यंग लीडर्स आप चाहते हैं, तो यही तो आपको 2 साल पहले करना था सचिन पायलट को लाके, जिसने कि आपका इलेक्टोरल फेट बदल दिया राजस्थान में, वरना आप बहुत नीचे थे। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नेतृत्व की है, और वो प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल साइंस की एक बेसिक सिद्धांत है कि लीडरशिप जो होती है वो एक तरफ तो वोट पॉपुलर होती है, जनता के बीच में होती है पॉपुलर, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करती है अपने स्किल से। सर एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस में, एनके सिंह साहब एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे लगता है ये खबर अपने दर्शकों तक बहुत जल्दी से पहुंचा देते हैं। कांग्रेस की सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश नाकाम हो गई है। अब देखिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने पायलट को फोन किया और पायलट ने अविनाश पांडे का फोन नहीं उठाया, ये क्या संकेत दे रहा है। सचिन किसी भी मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सचिन पायलट ना कांग्रेस के किसी नेता का फोन उठा रहे हैं, ना कांग्रेस के नेता बात करना चाहते हैं, मैसेज का जवाब चाहते हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। अर्चना जी, इसके क्या मायने हैं, कैसे समझे, क्या सचिन पायलट इतने नाराज हो गए हैं कि अब उन्होंने तय कर लिया है कि उनका रास्ता अलग है, आप लोगों का रास्ता अलग है।
देखिए मुझे जो जानकारी हुई है कि हमारे कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी, उन्होंने भी मीडिया को एड्रेस किया और उसमें उन्होंने सूचित किया कि सचिन पायलट जी जो मीटिंग होगी उसमें शामिल होंगे। अब इस स्पेकुलेशन का मैं क्या जवाब दूं कि आपके पास बड़ी खबर है? अर्चना जी, मैं खबर आपको बता रहा हूँ कि सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश की है आपके प्रभारी अविनाश पांडे जी ने और उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। सचिन अविनाश पांडे जी ने कहा आपसे कि उनके फोन को नहीं रिसीव कर पाए? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको खबर बता रहा हूँ। नहीं, आपकी बात कैसे? अर्चना शर्मा जी, मैं खबर बता रहा हूँ, मैं आपको खबर बता रहा हूँ। आप खबर देखिए, खबर कोई जरूरी थोड़ी, खबर फैक्चुअली आप कह रहे हैं तो मैं इसको मान लूं, ऐसा नहीं होता। मैं अपने कैबिनेट मंत्री की बात को मानूंगी जिन्होंने कहा कि पायलट की शामिल हो सकते हैं। अच्छा, आप बता दीजिए कि क्या राजस्थान के किसी नेता की बात हो रही है सचिन पायलट से? उन्होंने हामी भरी है कि वो पहुंचेंगे मीटिंग में? देखिए ये सारे इंटरनल मैटर्स है, कोई ऐसे डिस्कशन की बात नहीं, लेकिन एक बात है कि जो कल तक आप लोग चला रहे थे कि अमुक अमुक विधायक जो गुरुग्राम में मीटिंग कर रहे, मैं आज की बात पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आज की बात पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सचिन पायलट मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं? क्या बैठक में वो मौजूद होंगे? आपके राजस्थान के किसी नेता ने इस बात की क्या पुष्टि की है कि बात हो गई है सचिन पायलट से, वो आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं तीसरी बार आप ही के इस चैनल पे 10 मिनट के अंतराल पे कह रही हूँ कि हमारे कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने मीडिया को एड्रेस करते हुए सूचित किया है कि पायलट साहब इसमें शामिल होंगे। मुझे एनके सिंह जी की बात का जवाब देना है कि देखिए आपने जो एक पैरेलल कंपैरिजन किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ और सचिन पायलट के साथ, देखिए सचिन पायलट जी आज पीसीसी के अध्यक्ष थे यानी पार्टी के कमांड, उसके साथ वो डिप्टी सीएम भी है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उनके मान सम्मान टक्कर हुई या उनकी जो मेहनत थी उसको झगड़ा किस बात को लेकर है? एक्नॉलेज नहीं। अर्चना जी, झगड़ा किस बात को लेकर है? जब से सरकार बनी है सबको पता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बन नहीं रही है। सचिन पायलट ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री मिले, तो क्या इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो गई थी उस वक्त? देखिए सचिन जी को इसके साथ मैंने भी 5 साल काम किया है और उससे पहले भी मैं 11 साल से मीडिया को संभाल रही हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी में कोई रिफ्ट नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम इंटैक्ट है, ये बात सच है। लेकिन बीजेपी अनएथिकली हर चीज हर तरीके से टॉपल करना चाहती है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करना चाहती है, उसको हमने पर्दाफाश कर। अगर आपकी पार्टी नहीं टूट रही है तो फिर बीजेपी पर दोष मढ़ने की क्या जरूरत है? आपकी पार्टी नहीं टूट रही है और एनके सिंह साहब ने कहा कि अगर आपकी पार्टी के नेता टूटकर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो बीजेपी उनको उनका स्वागत क्यों नहीं करेगी? नेता कौन सा जा रहा है? 125 विधायक प्रेम शुक्ला जी एडमिट थे, क्या नेता टूटकर आ रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता टूटकर आ रहे हैं क्या आप लोगों के पास? बात को सुनिए आप, क्या करने दीजिए। जांच एजेंसीज ने उन्होंने साबित किया है कि करोड़ों रुपए। आखिरी कमेंट है अर्चना जी, एक सेकंड हाँ प्रेम शुक्ला जी, आखिरी कमेंट। विद्यानाथ जी, मुझे लगता जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेगा, हम एक संवैधानिक लोकतांत्रिक दल है, आ रहे कि नहीं आ रहे? कोई बिटुआ पिटिया माई की पार्टी थोड़े हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी के पोर्ट्री के अलावा किसी के लिए कोई अवसर नहीं? कांग्रेस के 15 से 20 विधायक टूटकर आपकी पार्टी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक लाइन में जवाब देंगे क्या? देख रहे हैं ये राजस्थान है, देखिए हम कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कहां से आपको आ गया? अरे भैया आराम से, चिंता ना करें। अभी जब हमको पता वीरों की भूमि है जी, वो तो कायरों की भूमि। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे मोहित राज और लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।